अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अगेन वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग ऑफ उदा का जहाँ। तो गाइस यहाँ मॉर्निंग हो गई है और सब चीज़ों से इतने रिलैक्स होकर बैठी हुई हूँ। मतलब ये है कि मतलब शॉवर ले लिया है, माँ को रेडी कर दिया और माँ सब यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए कुछ हम लोग डिस्कशन कर रहे थे बातों के ऊपर गाइस, कि मतलब बच्चों को जो है वो अननोन लोग, आजकल से बच्चे काफ़ी ज़्यादा चोरी हो जाते हैं, लोग उठा के लेते। तो मैं माँ को समझा रही थी वो चीज़ें, और आप माँ का पॉइंट ऑफ व्यू भी ज़रा सुन ली कि माँ मेरी बात को जैसे कॉन्ट्रडिक्ट कैसे कर रहा है। हाँ तो मैनू, मैंने आपको क्या बोला था कि बच्चे जो होते हैं ना, और जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको पता है क्या करते हैं, उनको क्या कहते हैं, जो बैड लोग होते हैं ना उनको उठा के ले जाते हैं, और पता है उनसे सारा काम करवाते हैं, और पता है उनके हैंड भी कट कर देते हैं, कहते हैं खाना भी नहीं देते हैं उनको। पता है आपको सब्सक्राइब नहीं बेटा, मैं थीफ भैया की बात कर रही हूँ, मैं सब्सक्राइबर की बात थोड़ी ना कर रही हूँ। सब्सक्राइबर तो आपसे लव करते हैं। सब्सक्राइबर तुमसे लव थी, अच्छा थीफ इतने अच्छे हैं गाइस। एक्चुअली मैंने इनसे भी ये बोला था कि जो थीफ होते हैं उनको ऑलरेडी सब कुछ पता होता है कि उनके मम्मी पापा क्या काम करते हैं, ये सब कुछ पता होता है सब कुछ। तो अब ये कह रहा है कि वो तो मतलब थीफ हुए ना, कि उनको सब, वो मेरे व्लॉग्स देखते हैं, उनको सब पता है मेरे बारे में, तो इसलिए वो करते हैं। तो इसकी बातों जो है ना, इसकी बातें बच्चों की पागलों वाली हैं। देखिए 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 देखिए, अभी शॉवर दिया है वही, अभी तक गाइस पॉली पहना के ही शॉवर दिया गया है महात को, ताकि पानी ना लगे। दिखा देती हूँ, दिखाओ जरा बेटा लेग अपना, अभी भी वहाँ देनी सैंडल्स में जा रहा है, बैंडेज जो है वो हुई हुई है अभी तक महात के पैर पे, देखिए। तो बस फ्रेंड्स अभी का कुछ ऐसा ही है, और अब जाने वाले हैं जनाब, आपको सलाम कर लो। अस्सलाम वालेकुम, फिर तो पूछ लो आप कैसे हैं, कैसे हो सब लोग, सही हो? इधर देखिए मुझे क्यों देख रहे हैं। तो बस गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस टाइम हो गए 8:15, और फिलहाल मैंने भी यहाँ अपना रख लिया है ब्रेकफास्ट, तो बस अभी जल्दी से करते हैं ब्रेकफास्ट। यहाँ चल रहा है टीवी, और फिर हम लोग जो है मैं निकलूंगी ऑफिस के लिए, बस 10 मिनट है मेरे पास, 5 मिनट में ब्रेकफास्ट करूँगी और 5 मिनट में मैं रेडी होंगी। मिलते हैं गाइस 10 मिनट के बाद। तो गाइस ऑटो से उतर गई हूँ मैं, अब फिलहाल जा रही हूँ मेट्रो स्टेशन के अंदर। यहाँ देखिए इस टाइम कितना जाम है मेट्रो में, मतलब बाहर से इतना है और अंदर जाके तो भाई गॉड बहुत लंबी लाइन लगने वाली है। देखिए थोड़ा जल्दी से चलते हैं हम लोग अंदर। तो गाइस आज पंगा पड़ गया यार, मेरी जो लॉकर की है वो रास्ते में कहीं मिसप्लेस हो गई है, और अब मुझे लॉकर तोड़वाना पड़ेगा। आधा घंटा हो गया फॉर्मेलिटीज इन सब चीज़ों में, अब आएगा कोई और मेरा लॉकर टूट के खुलेगा। तो बस ये मेरा लॉक है, उसकी चाबी जो है वो मैं इससे कहीं गिर गई है रास्ते में ही, और अभी तक मैं यूनिफॉर्म में नहीं आई हूँ, क्योंकि वो लॉकर में है सारे मेरे कपड़े और स्टिल जूते भी। देखिए अब तो जब ये लॉकर टूटेगा तभी निकलेगा, तभी मैं पहनूंगी। और टाइम भी गाइस देख ली कितना हो गया है, 10:30 होने वाले हैं, 9:30 पे मैं आ गई थी, फॉर्मेलिटीज़ में इतना टाइम लग गया। तो बस फ्रेंड यहाँ देखिए आज मैं ब्लेज़र लेजर पहन के जा रही हूँ, क्योंकि लॉक तोड़वा लिया था, तो इसलिए कि लॉक तो अब नया ले जाके लगाना पड़ेगा वहाँ पर, इसलिए जो है मैं मुझे पहन के आना पड़ा चाहिए। तो गाइस आ गए हैं घर पे, और यहाँ देखिए फाइव घुसे हैं हनी चिली पोटैटोज, देखिए इधर नूडल्स, और यहाँ है बर्गर, और बन गई है हमारी चाय, यहाँ देखिए चाय निकल रही है। तो बस जल्दी से पहले अपने स्नैक्स खाते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने पी लिया चाय नाश्ता, अब 10 मिनट मुश्किल से लेकर आए आराम, और अभी यहाँ पर आ गई हूँ मैं महात की कोक महात के साथ बुक्स लेके। और वो क्यों गाइज़, ये देखिए यहाँ हैं ये प्रिंट आउट्स, तो ये मैंने ऑफिस से ही निकाले थे, क्योंकि महात का कल एग्ज़ाम है, तो इसलिए प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट्स निकाली थी मैंने कि महात की प्रैक्टिस करा दूँगी। ये महात 10 मिनट 15 मिनट, महात को भी ये था कि महात ने भी खाया वाया, उसके बाद महात को भी 10-15 मिनट का ब्रेक दिया था, मोबाइल दे दिया था मैंने। और अभी का यह है कि अब थोड़ी देर पढ़ा दूंगी, फिर मौलवी साहब आ जाएंगे तो फिर उनके साथ महात लग जाएगा, तो बस इसलिए पहले महात की पढ़ाई करवा देते हैं। देखना चुपके चुपके अभी रखा है मोबाइल, उठा के और फिर ले लिया, चलो इसको रख दो जल्दी से और फिर पढ़ाई पढ़ लो, फिर लिख लेना ठीक है। ये लो मम्मा निकाल के ले आई थी अपने ऑफिस से, मैंने कहा इसका पेपर है प्रैक्टिस करा दूँगी,
सो गाइस पहले हम लोग पढ़ा लेते हैं महान को और फिर आप लोगों से मिलेंगे। इन्हें इरेजर देना इसको भाई, देखिए वो कह रहे हैं भाई मत दूर पागल, चोट जितनी लगी है ना और कूदो, सो जाओ, पेपर है कल। हाँ वो तुम ख्याली पुलाव में हो, मत बनाओ। मुझे मधु मेरे को लगा कि मेरे लिए बनाना लेके गए हुए हैं और लाए क्या तुम्हारे लिए मेडिसिन और दवाई। पहले आओ अब्बा, ये लो मेरे। अब्बा तुम्हारे नहीं है, ये क्या लाए स्पाइडरमैन का पानी, लो इसे पी के शक्ति आएगी तुम्हें। देख गाइस देखो दवाई पीनी है इसको, इसलिए इसके ड्रामे देख लियो। कफ हो रहा है महद, किस सोच में बैठी हुई है। सब एक टीम में हो जाओ, सब मिल जाओ, लेकिन इसको इन्हें पकड़ ले इसको मां। एक सब पे हावी, इन अब लपेट लेने में ले ले। मधु भाई बहन ने पकड़ लिया, अब तेरा क्या होगा कालिया। झूठ बोल रहा है अभी ना बोल रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अगेन वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग ऑफ हुदा का जहां। तो गाइस आज है मेरा ऑफ यानी कि छुट्टी है रक्षाबंधन की, और आज हूँ मैं फ़िलहाल घर पे। और आप सब विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन, जो लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके लिए आज, और जो लोग कल कर रहे हैं उनको कल बहुत बहुत मुबारक हो। तो गाइस अभी फ़िलहाल टाइम आपको दिखा देती हूँ, टाइम हो गए हैं 11:15। और गाइस महत का तो आज एग्ज़ाम था मैथ्स का, तो महत तो गया स्कूल, और इनप को कहीं जाना था इंटरव्यू के लिए, तो काफ़ी दूर था तो इसलिए फाई गए उसके साथ। आज उनका भी ऑफ है फाई का भी। और इधर रूम में दिखा देती हूँ आपको, तो गाइज़ अभी अंदर मम्मी सो रही हैं और फिलहाल अभी मैं उठ गई थी, मुझे गाइज़ वही आदत पड़ गई है सुबह जल्दी उठने की ना, तो मुझसे लेटा नहीं जाता है। तो फिलहाल गाइज़ मैं अभी यहाँ आई थी, तो मैंने सोचा यार बेसन निकाल देती हूँ और मैं कड़ी बनने के लिए रख देती हूँ, तो गाइज़ मैंने यहाँ बनने के लिए रख दी है कड़ी। और बाकी काम जो भी गाइज़ है, अभी क्लीनिंग आती थी जो है वो सुबह आ गई थी, सब काम करके चली गई। आज सुबह 7 बजे की मुझे फिर उठना पड़ा था, मतलब नींद आ रही है, दिमाग में बहुत तेज़ दर्द भी हो रहा है लेकिन सो नहीं पा रही हूँ। तो फिलहाल लेकिन अभी सोच रही हूँ कि मैं पहले अच्छे से आज जो भी मेरे काम बचे हुए हैं घर के या जो साफ़ सफाई के जो भी कुछ है वो कर लेती हूँ, और फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ब्लॉग को कैरी करेंगे। मुझसे बात हुई थी, देखा, इतने शक्लों को देखा। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए मैं झाड़ू मार रही थी इस रूम में, सारा सामान मैंने ऊपर करके रखा है और इधर मार रही हूँ क्लीनिंग। और वो मैं क्यों कर रही हूँ गाइस, ऑलरेडी जबकि मेरे घर में झाड़ू पोछा सब हो चुका है, और अभी मैंने इस रूम में आज नहीं करवाया था क्योंकि मेरा एक स्लीपर डेज ऑलमोस्ट 15 डेज हो गए थे, वो निकल मिल नहीं रहा था, और मुझे पक्का पता था बेड के नीचे, फिलहाल वो तो मिल गया। मतलब सफाइयाँ देखिए, ये रोज़ हमारे यहाँ झाड़ू पोछा होता है तब की सफाइयाँ हैं ये। तो आज मैं अपने हाथ से पूरी बैल्कनी जो है ये भी पूरी मैं अभी अच्छे से वॉश करूँगी, और कूड़ा मैंने निकाल लिया है अपने रूम में जो है वो भी पोछा अच्छे से मार के सब कुछ साफ़ सुथरा करके रखूँगी। आज मौसम भी गाइस देखिए कभी धूप आ रही है कभी हवा चल रही है, मतलब ऐसी हो रही है। और हाँ बात करते करते गाइस ये देखिए महत के स्कूल की वैन भी आ गई, महत आ गए हैं घर पे। महत महत महाद, तो गाइस महाद अस्सलाम वालेकुम। देखा देखा देख लिया, ज्यादा खुशी में यही होता है। हाँ मम्मी जी देख लिया करो, मैंने देख लिया। अस्सलाम वालेकुम करो, सलाम करो, सलाम दादी जी गले मिल लो, मिक्स करके देना पानी।
तो गाइस आ गए हैं वहाँ सब घर पे। तो गाइस भाई आ गए हैं, इनको दिया है नींबू पानी बना के, और अभी यहाँ माहत के लिए भी मैंने सोचा बना देती हूँ। तो यहाँ पर गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, आज तो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। तो भाई को तो दे आई हूँ नींबू पानी, अब माहत के लिए बना देती हूँ। और वहाँ जब तक गाइस शॉवर लेने के लिए गए हुए तो नहा के निकलेगा, पानी तो पी लिया, अब ये दे दूँगी मैं नींबू पानी, बस ये हो जाएगा। उसके बाद अब तक गाइस मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, मतलब बाफाई आ गया है, फिर माहद आ गया, और अभी तक ये काम पूरा नहीं हुआ है। और अभी बस वही एज इट इज़ सेम है जैसे मैं अभी आपको दिखा रही थी, अभी आगे पूरा करूँगी सफाई सब चीज़ें, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो बस फ्रेंड्स उधर का सारा काम मैं कर गई थी, करके आ चुकी हूँ, और अभी इधर बना रही थी कढ़ी के लिए पकौड़े, और यहाँ देखिए कढ़ी रेडी है, उसमें डालती जा रही हूँ साथ साथ। तो बस अभी यही काम बचे, और फिर उसके बाद जो है राइस बनाऊंगी। अभी तक शॉवर नहीं लिया है, और बाकी मम्मी जा रही है अभी नहाने के लिए, और जब तक मैं ये सब काम निपटा लेती हूँ। और स्वेटिंग देखिए इतनी ज़्यादा, यहाँ तक फाई जो हैं वो सो गए हैं, तो काफ़ी थके हुए थे सुबह के, उठ गए थे। तो अब हम आपसे मिलेंगे थोड़ी देर बाद। हाँ हेलो, पराठा पानी तो, अरे टंकी में बाहर धूप इतनी तेज है, गर्म ही पानी आएगा। पाल्टी में भर के आधा घंटा बैठ जाएगी, और फिर जब नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा फिर ना, उसके लिए आधा घंटा रुकना पड़ेगा आपको, है ना मधु? ओए कैसे खा रहा है? तो गाइस यहाँ देखिए कढ़ी एकदम रेडी हो गई है, खूब अच्छे से तड़का वड़का लगा दिया है, और उसी के साथ ये हैं हमारे राइस, तो ये भी एकदम रेडी हैं। बस आ जाएं सब लोग तो खाएंगे, लो दिखाने के चक्कर में गिर गए। महा साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इसी चल रहा है गाइस, और हम लोग यहाँ बैठे जो हैं अब खाना खाएंगे। और गाइस मैं अपने शॉवर ले लिए, हो गई हूँ मैं रेडी, और यहाँ देखिए सब लोग आ गए खाने के लिए, खाओ खाओ खाओ। हेलो गाइस, तो गाइस आज खाना खाने के बाद इतनी मज़े की नींद आई है ना, बहुत सुकून वाली नींद जैसे कहते हैं। तो अभी फ़िलहाल उठ गई हूँ मैं, बाल बाल देखिए कैसे बिखरे हुए हैं मेरे, तो यहाँ उठ गई हूँ गाइस। और इधर मैंने रख दी है चाय बनने के लिए, तो यहाँ बन रही है चाय, इधर दूध गर्म करने के लिए रख दिया है, और इधर जो है मैंने जो है खाना का क्या लौकी जो है वो बॉईल कर रही हूँ मैं, तो अभी मैंने कट करी, पील ऑफ करके इसको कर दिया है करने के लिए। फ़िलहाल यहाँ पर जो है वो लगा रही हूँ नाश्ता, मठरी और नमकीन निकालिए कि चाय के साथ पी लेंगे हम लोग। और यहाँ देखिए चाय भी ऑलमोस्ट हो गई है, बस अंदर चलेंगे और चाय वाय पियेंगे। और गाइस थोड़ा बाहर जाऊंगी मैं, थोड़ा घूम घूम के आऊंगी, थोड़ा काफ़ी सुबह से काम वाम कर करके थक चुकी हूँ। और हाँ आपको ज़रा गाइस एक मिनट में बैल्कनी भी दिखा देती हूँ कि आज मैंने बैल्कनी में करा क्या काम है। चलिए यहाँ पर आज तो गाइस ये तो बहुत अच्छे से मैंने आज सफाई करी अपने इस वाले रूम की, न क्या हालत थी इस रूम की कर रखी थी। और हाँ गाइस तो ये देखिए यहाँ से मैंने अपने जो आज पूरी वॉश तो करी है, यहाँ देखिए आप वॉश तो कर दी अच्छे से, और प्लांट्स जो हैं अपने वो इस साइड कर दिए मैंने, तो प्लांट्स इस साइड, और इधर एकदम प्लेन स्टूल डाल दिया क्योंकि मम्मी अक्सर फ़ोन पे बैठ के बात करती हैं, कुछ चाहिए तो इसलिए डाल दिया यूजली, वरना मैं ये किचन में रखती हूँ स्टूल गाइस। ऊपर का जैसे हाइटेड सामान होता है ना, ऊपर से कुछ उतारना होता है तो मैं इस पर चढ़ के ही उतारती हूँ, तो फिलहाल अभी जो था मैंने इसको यहाँ रख दिया ये। और बाहर की देखिए आज बालकनी मैंने खुद वॉश करी है, तो इसकी आप देखिए मतलब साइड्स भी देख ली, इतनी साफ़ करी है, मम्मी भी आज कह रही हुदा आज तो ये लगी नहीं रही वही बालकनी है, वरना क्या हालत कर दी थी मेरी बालकनी की। फिलहाल चलते हैं बैक टू द किचन, चाय निकालते हैं और हम लोग पहले चाय पीते हैं, टाइम भी देख लिया गाइस 6 बज गए। तो बस फ्रेंड्स निकल गए हैं हम लोग, और वो क्यों पहले तो मैं जाऊँगी लॉक वाले के पास, आप लोगों ने देखा था कि मेरा जो लॉक था वो ओपन हो गया था, उसकी फ़िलहाल कीज़ तो घर पे थी, तो जाके देख लेंगे कि काफ़ी मैंने कॉस्टली खरीदा था लॉक, तो ये था कि जाके एक बार उनसे बात करेंगे कि शायद थोड़ा सही हो जाए। तो बंद तो हो रहा है लॉक, लेकिन थोड़ा बहुत फिटिंग थोड़ा तो चेंजेस आ ही जाते हैं जब टूटता है लॉक तो। और फिलहाल यहाँ देखिए आप वो भीड़ होगी क्योंकि आज जो है कुछ लोग आज सेलिब्रेट करेंगे रक्षाबंधन, तो मे भी कुछ भीड़ हो आज यहाँ पर। और फिलहाल हम लोग महा सो रहा था, अभी हम लोग छोड़ के आए हैं महा को। तो गाइस मैं आई हूँ मेट्रो स्टेशन, क्योंकि कल जो मेरी की थी वो यहीं से ही मेरे बैग की जिप ओपन थी निकली थी, तो मैं यहाँ चेक करने के लिए आई हूँ। यहाँ पर एक होता है लॉस्ट एंड फाउंड का, भीड़ देख लें यहाँ पर गाइस, लाइन लगी पड़ी हुई है रक्षाबंधन की वजह से। और फिलहाल मैं जा रही हूँ ऊपर, जाके बात करते हैं, देखते हैं मिलती है कि नहीं। तो गाइस
गाइस वापस मैं बाहर आ गई हूँ और बहुत देखा लेकिन मिला नहीं। काफ़ी उन लोगों ने काफ़ी हेल्प करी मेरी, मेट्रो स्टेशन पे भी सब लोग आ गए थे, सब कुछ फाइंड वाइंड किया, बट अनफॉर्चुनेट मिला नहीं। लेकिन हाँ ये अच्छा लगा कि सब लोग सपोर्ट में थे, हेल्प करने के मतलब था उनका कि हम लोग ढूंढते। तो गाइज यहाँ देखिए हम काफ़ी देर से आए हुए थे मॉल में, कुछ भी शूट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि शॉपिंग कर रहे थे और हमने काफ़ी कर भी ली है। 9:30 हो गए हैं फिलहाल, अब घर निकलेंगे। यहाँ देखिए आप, ये हूँ मैं और इधर का सब बंद हो गया है, मन यहाँ तो सब कुछ जल्दी बंद कर देते हैं। कार्पेट्स लगे हैं, शूज़ लगे हुए हैं और गाइस कुछ भी नहीं खाया है अभी तक क्योंकि एज सच निकलते ही निकलते देर हो जाती है। फिर आने के बाद मेट्रो स्टेशन गई थी अपना काम करने के लिए, लॉक वाले भैया के पास गई, लॉक वाले भैया भी नहीं मिले थे आज, यही सब कुछ था। गाइस यहाँ के ज़रा फ़ैन देखिए आप, कितने बड़े फैंस हैं, बाय गॉड। हवा चल रही है बाहर तो गाइज़ उसके बाद हम आ गए थे सेक्टर 4 की मार्केट में। तो गाइज़ यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी रक्षाबंधन की वजह से। यहाँ देखिए सारी गर्ल्स बैठी हुई हैं और लगवा रही हैं मेहंदी और मैच, मेहंदी वाले भैया के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है मुंह उठाने तक का। गाइज़ इतनी भीड़ है यहाँ पे, सभी लोग मतलब मिठाई के देखिए स्टॉल्स लगे हैं, हैम्पर्स लगे हुए हैं, सब लोग शॉपिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा मूड है। लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा क्राउड है, भीड़ बहुत ज़्यादा है गाइज़। तो बस यहाँ पर कुछ ऐसा ही चल रहा था और हम लोगों ने देखा, अच्छा लगा, उसके अब चलते हैं हम घर। तो बस फ्रेंड्स आ गए हम लोग घर और यहाँ से चुनमुन से मैंने हाथ की ली थी कुछ शर्ट्स और अच्छी लगी थी मुझे तो इसलिए मैंने खरीद ली थी शर्ट्स यहाँ से महात की। और उसके बाद ये शूज़ लिए थे जूडियो से और बस गई थोड़ा बहुत सामान और भी, ये घर का सामान, एप्पल वेप्पल कर्ट महात के लिए, चॉकलेट्स, मसाले वसाले जो भी कुछ थे ये सब कुछ लिया था। इसके बाद आज के ब्लॉग को यहीं करते हैं।